अल्मीरा में वीआईपी कस्टमरों के लिए चलने वाले ऑर्केस्ट्रा बार पर पुलिस की छापेमारी। कलवा में वन विभाग ने की अवैध बनी चालियों पर तोड़ू कार्रवाई। शिवसेना नगर सेवक गणेश कांबले विवादों। विक्रोली पुलिस ने छापा मारकर किया 14.5 लाख से ज्यादा का गुटखा बरामद। एंटी नारकोटिक सेल मुंबई आजाद मैदान यूनिट ने 40 किलो गांजा समेत किया एक व्यक्ति को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर मीरा महिंदर के काशी मीरा परिसर से। यहाँ पर अमर पैलेस उर्फ मानसी बार जो है, ये कोरोना काल में भी कर्फ्यू लॉकडाउन में भी वीआईपी ग्राहकों के लिए चलाया जा रहा था। इस ऑर्केस्ट्रा बार पर मीरा महिंदर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे ने छापामारी करते हुए यहाँ से होटल के स्टाफ समेत कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें स्टाफ के मैनेजर वेटर वगैरह आदि मिलाकर 8 लोग हैं और 13 ग्राहक थे। वहीं यहां से फ्लोर से इन्होंने 2 लड़कियों को और जो एक छुपा कमरा बनाया जाता है बार ऑर्केस्ट्रा बार और रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वहां पर 4 लड़कियाँ और एक ट्रांसजेंडर को छुपाया गया था, उनको भी पुलिस ने मुक्त कराया है। किस तरीके से गिरफ्तारी के बाद होटल के स्टाफ और ग्राहकों को ले जाया जा रहा था पुलिस कार्रवाई के बाद, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर, अपने एक रेड के लिए आए, काय आहे नेमके? आम्हाला एक खात्रीशीर बातमी मिळाली होती की रात्री साधारणतः 1 नंतर आमच्या हद्दीमध्ये एक मानसी ऑर्केस्ट्रा बार आहे, तो बारचा मालक तो बार उघडून त्या ठिकाणी कस्टमरला आणि मुलीला वगैरे त्या ठिकाणी आणून बार चालवतो अशी माहिती मिळाली होती। त्या अनुषंगानं आम्ही रात्री 3:15 वाजता त्या बारवरती पूर्ण ते बंद होतं बार, पाठीमागच्या साईडून आम्हाला लक्षात आलं की दरवाजा थोडा उघडा आहे, त्यातून आम्ही इंट्री केली। त्या आधी गेल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की त्या ठिकाणी काही मुली कस्टमर्स आणि बारमध्ये काम करणारे कामगार ते मुलींकडून गाणे म्हणून घेत होते आणि कस्टमरी लोक त्या ठिकाणी पैशाची उधळण करत होते। अशा पद्धतीने ती म्हणून आल्यानंतर आम्ही त्या मुलींना आणि त्या सगळ्या कस्टमरला वगैरे ताब्यात घेतल्या। एकंदरीत ह्याच्यामध्ये किती मुलींना अटक करण्यात आली आहे आणि कोणत्या कोणत्या कलमांतर्गत कारवाई करण्यात आली काय सांगा? या केसमध्ये पण मुलींना अटक केलेली नाही, कारण मुलींना आपण रेस्क्यू केलेलं आहे। त्यामध्ये 6 मुली आणि 1 तृतीय पंथी असे 7 लोक रेस्क्यू केलेले आहेत आणि बारचे मॅनेजरपासून असे 6 लोक आणि इतर 13 कस्टमर्स असे 19 लोकांना आपण सध्या अटक केलेलं आहे। आणि त्याच्यामध्ये बारमध्ये कॅव्हिटी पण असल्याचे आपल्याला दिसायला, ज्या कॅव्हिटीमध्ये 4 मुली त्याने ठेवले होत्या, त्या मुली आपण रेस्क्यू केलं असल्यामुळं याला आपण भारतीय दंड विधान संहिताचं 300(8) तसेच ऑप्शन आहे महिलाचा जो अधिनियम आहे लहानपण संदर्भातला त्याचे शिक्षण आपण लावलेले आहे आणि इतर कोविड रूल्स जर फॉलो पालन केलं नाही त्या संदर्भातलेही कलमाखाली आपण गुन्हा दाखल केला आहे। चार तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर कलवा से है। कलवा में महात्मा ज्योतिबा फुले नगर में यहाँ पर मैनग्रोव की कटाई कर खाड़ी में भरनी करके अवैध रूप से चालियाँ बनाई गई है, जिसके बारे में प्रशासन को कलवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सचिन बोरसे को कई लोगों ने लिखित रूप से शिकायत दे दी थी, लेकिन सचिन बोरसे द्वारा जो है समूल रूप से यहाँ पर कभी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते थाने के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर तक ये शिकायतें पहुँची। फिर उनके आदेश पर तहसीलदार महेश बांगर ने 9 मई को ये कार्रवाई की है। ये हम आपको किस तरह से कार्रवाई की गई वो दिखा रहे हैं। भारतीय खबरों में हमारी तीसरी खबर विक्रोली से है। विक्रोली पुलिस स्टेशन ने मिली जानकारी के आधार पर छापामारी करते हुए लगभग 14,60,000 का गुटखा बरामद किया है। कई गोनियों में भरा हुआ ये अलग अलग कंपनियों का गुटखा बोलेरो पिकअप टेम्पो समेत जो है जब्त किया गया है। 14,60,500 रुपए की यह कुल सामग्री है जो विक्रोली पुलिस स्टेशन द्वारा कार्रवाई कर बरामद की गई। चार तेज खबरों में हमारी चौथी खबर मुंबई के वर्ली से है। वर्ली में आजाद मैदान यूनिट एंटी नारकोटिक सेल मुंबई पुलिस ने छापामारी करते हुए एक व्यक्ति को 40 किलो गांजा समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा खबर मिली थी कि वर्ली के कामगार वसाहत परिसर में, यानी लेबर कॉलोनी है, यहाँ पर लेबर कॉलोनी एरिया में एक व्यक्ति गांजा बेचने के लिए आने वाला है। ANC आजाद मैदान यूनिट द्वारा गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति का नाम शिव कुमार शंकर बसैया, उम्र 40 वर्ष है। ये वर्ली के ही महात्मा फुले नगर
एनजी रोड परिसर का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से दो सफ़ेद पॉलीथीन की बैगों में लगभग 40 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें, जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली तेज ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।